सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो अगर आप IIMCET देने जा रहे हो या फिर कभी कभी कंपनीज का स्पॉन्सरशिप टेस्ट दिया हो, तो उसमें अपने गौर किया होगा कि वहाँ पे लिखा होता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आएगा प्लस टू लेवल का। तो बहुत लोग को डाउट होता है कि जो प्लस टू लेवल होता है वो सिर्फ क्लास ट्वेल्थ का ही पोर्शन होता है। बट आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि प्लस टू लेवल में पूरे कितने चैप्टर्स हैं और आपका उन चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं IIMCET के लिए। ये जो सिलेबस का PPT है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं IIMCET अगस्त बैच का पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे याद रखना, मैं अगस्त बैच की बात कर रहा हूँ क्योंकि फरवरी बैच का अलग होता है। तो अगस्त बैच की बात करें तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, इसके बाद एक वीडियो आएगी मैथमेटिक्स के बारे में, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड और इंग्लिश सब पूरा कंबाइन होगा। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से, क्योंकि जो प्लस टू का लेवल होता है उसमें आपका 11th और 12th दोनों होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट 1 क्लास 11 से। तो क्लास 11 का सबसे पहला यूनिट है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इसमें जो पहला चैप्टर पढ़ता है वो आपको पढ़ता है फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें आपके बेसिक्स प्रिंसिपल्स और उस पर एप्लीकेशन दिए होते हैं, जनरल फिजिक्स के टर्म्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन देता है साइंटिस्ट के बारे में। तो मे बी एक क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है कि इसका इन्वेंटर कौन है, इस थ्योरम को कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जैसे बर्नौली थ्योरम को एरोप्लेन में यूज़ किया जाता है, तो ये सब पूछ सकता है। बाकी जो आपका मेन चैप्टर शुरू होता है वो होता है चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, और जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं आपके यूनिट्स पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसका यूनिट क्या होगा, या फिर आपसे डायमेंशन पूछ सकते हैं कि इस यूनिट का डायमेंशन क्या होता है। आपका जो दूसरा यूनिट है वो है आपका काइनेमेटिक्स, और ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ पे ऐसे अच्छे खासे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जो इसमें चैप्टर्स होते हैं वो आपका चैप्टर 2 जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी अगर आपने ग्राफ पे नोटिस किया होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब ग्राफ होते हैं उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं उल्टा सीधा करके ग्राफ को। फिर आपके इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाते हैं 3 इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जो आपका इसका चैप्टर 3 है मोशन इन प्लेन, इसकी बात करें तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के जो डायरेक्ट फार्मूला होता है डिराइव होता है, तो डेरिवेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना और फार्मूले से आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। और इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेसिक दे रखा है, मतलब जो आपका थ्योरी पोर्शन होता है सर्कुलर मोशन का वो दे रखा है, तो यहाँ पे अपना बेसिक भी क्लियर कर लेना क्योंकि आगे वाले चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद यूनिट 3 की बात कर ले तो यूनिट 3 में आपका आता है लॉज ऑफ मोशन, और जो इसके चैप्टर है वो एक ही है, वो है लॉज ऑफ मोशन। और जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। फ्रिक्शन से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ये थ्योरी में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। और सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स, यहाँ पे आपका मेन सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आपका यूनिट 4 जिसका नाम है वर्क पावर और एनर्जी, और इसके अंदर में जो चैप्टर है वो है उसका नाम भी है वर्क पावर एनर्जी, और जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका काइनेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जी, और आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर से क्वेश्चन आते हैं, कोलिजन से आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका यूनिट 5 जो कि मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, कभी कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो चैप्टर है वो आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें देखो आपका जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपका एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक मोमेंट ऑफ इनर्सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सी का आपको एक चार्ट मिलता है चैप्टर की स्टार्टिंग में या फिर मिडिल में मिलता है, तो उसमें हर स्पेशल बॉडीज़ के आपके मोमेंट ऑफ इनर्सिया दिया होता है, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे वेरी कर रहा है पर शेप्स के लिए, तो उससे क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड, या फिर कभी कभी डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालो, फिर एंगुलर मोमेंटम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। बाद आपका होता है यूनिट 6 जो कि ग्रेविटेशन, और इसके अंदर में एक चैप्टर है वो है आपका ग्रेविटेशन, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन और इसके वेरिएशन डेप्थ और हाइट के हिसाब से, इसे आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। और आपका एस्केप वेलोसिटी पूछ देते हैं कभी कभी, इसमें भी आपका डायरेक्ट जो आपका फॉर्मूला होता है उस पर आपका क्वेश्चन आ जाता है। सैटेलाइट के बारे में थ्योरी पूछ सकते हैं, सैटेलाइट्स के टाइप्स इस चैप्टर में दे रखे हैं। इसके बाद आपका जो है मेन टॉपिक वो है लिफ्ट, अपेरेंट वेट लॉस और गेन, जो आपका लिफ्ट में अपेरेंट वेट लॉस और गेन होता है इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस एक आपका जो सेक्शन होता है जिसमें अर्थ में आपका वेट अलग है, मून पे अलग है, तो उस सब सेक्शन से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं थ्योरी बेस्ड, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
इसके बाद आपका आता है सबसे बड़ा सेक्शन, वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन और इसके अंदर में तीन चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर वो आपका पढ़ता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके मॉडुलस वाले पढ़ते हैं, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और जो उनके आपस में रिलेशनशिप होते हैं, और इनके इलास्टिक एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी बेस्ड भी होता हो सकता है, और मॉडुलस पे तो डायरेक्ट आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। और फिर चैप्टर 9 आपका होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, और ये जो चैप्टर जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है ये आपके इंटरव्यू सेक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होता है, इसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पास्कल्स लॉ पूछ देते हैं सीधे के सीधे, तो इसमें भी आपका जो IMUCT के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है आपका पास्कल्स लॉ, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूड प्रेशर, मतलब बॉटल के नीचे छेद करने पे जो वाटर निकलता है या फिर ऊपर छेद करने पे तो वो कैसे वेरी करता है, ये सब पे क्वेश्चन, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो पे क्वेश्चन, बर्नौलीज थ्योरम, ये आपका इंटरव्यू में भी डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है, सर्फेस एनर्जी एंड सर्फेस टेंशन, वो जो बबल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद बात कर ले इसका लास्ट चैप्टर, वो है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें आपका कैलोरीमेट्री, ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्पेसिफिक और लेटेंट हीट कैपेसिटी। और ये मैकेनिक्स सेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये आपको जब DNS करोगे तो जो आपका साइंस वाला सेक्शन है उसमें ये आता है, तो इसलिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि इस यूनिट के अंदर आपके तीन चैप्टर है और तीनों मैकेनिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके बाद आपका आता है यूनिट 8 जो कि है थर्मोडायनेमिक्स, और जो इसका चैप्टर है वो भी एक ही है थर्मोडायनेमिक्स, और जो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका जो लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के, जीरोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड, और जो ये आपके प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इस रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट मेरे को याद है कि इसमें एक सेक्शन होता है जैसे डेल्टा क्यू होता है, और ऐसे डेल्टा से रिलेटेड और भी टर्म्स होते हैं, और जो ये प्रोसेस होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, इक्वल टू जीरो होते हैं, ये सब पे भी डायरेक्ट आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके बाद आपका यूनिट पड़ता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और चैप्टर का नाम भी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके IMUCT में भी आ सकते हैं, और इंटरव्यू में भी इससे डायरेक्ट आपको गैस लॉ पूछे जाते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इनके एप्लीकेशन, गे लुसेक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और आपका IMUCT में भी इसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत हाई हैं। इसके बाद आपका यूनिट 10 जो कि ऑसिलेशन एंड वेव्स, और इसके अंडर में दो चैप्टर आते हैं, सबसे पहला आपका ऑसिलेशन, इसमें आपका पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना कंफर्म है, एक क्वेश्चन उससे जरूर आएगा, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा दे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉब का वेट बढ़ा दे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद जो बेसिक टर्म्स है जैसे टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो एक फंक्शन होता है ना जो ऐसे ग्राफ होता है उससे क्वेश्चन पूछ देते हैं, जो ये हाइट ये होता है शायद इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं या ट्रफ, ऐसे कुछ करके जो होता है टर्म्स, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट इससे क्वेश्चन आते हैं जो आपका साइनोसोडियल फंक्शन होता है। और आपका जो चैप्टर 14 है वो आपका वेव्स, और इससे आपका जो डॉपलर इफेक्ट्स का जो क्वेश्चन है उससे एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, जो आपका फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देता है वो एक आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, प्लस यहाँ पे भी इसका जो फॉर्मूला है बड़ा सा फॉर्मूला उससे एक न्यूमेरिकल आने के हाई चांसेस है। इसके बाद आपका शुरू होता है यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th का पोर्शन, और ये मेरा फेवरेट पोर्शन है क्योंकि मेरा क्लास 12th ज़्यादा स्ट्रांग था क्लास 11th के मुकाबले, और ये अराउंड सबका ऐसे ही होता है क्लास 12th में ज्यादा पढ़ते हैं। तो देखो इसमें जो आपका पहला यूनिट है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसके अंदर में दो चैप्टर आते हैं, सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, तो आपका जो गॉस थ्योरम है उसे न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी आने के चांसेस है, जो इसके एप्लीकेशंस होते हैं, और वो स्पेशली जो सेल होता है उसके अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर कैसे होता है, इस सब से क्वेश्चन आने के बहुत ही हाई चांसेस होते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे तो आपका थ्योरी, जो इसके प्रॉपर्टीज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, उससे आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आना ही है। इसके बाद जो आपका चैप्टर 2 है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, तो इसमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज होते हैं, इससे आपका थ्योरी आना जरूरी है, जो इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके बाद आपका कैपेसिटेंस, आपका जो होता है पैरेलल और सीरीज में कैपेसिटर, उससे क्वेश्चन आ सकता है, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इससे भी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके बाद आपका पड़ता है यूनिट 2 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंडर में भी एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें अच्छे खासे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि किरचॉफ लॉज, इससे एक न्यूमेरिकल तो आपका कंफर्म है, जो आपके दो इसके लॉज हैं उस पे आ सकते हैं। उसके बाद जो ये इंस्ट्रूमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इससे तीनों में से किसी एक पे तो न्यूमेरिकल आना ही है। उसके बाद आपका सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, इसमें भी एक क्वेश्चन आपका आता है।
इसके बाद आपका यूनिट थर्ड पड़ता है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और इसके अंदर में दो चैप्टर हैं, जो सबसे पहला चैप्टर वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में चेंज करना, जो आपका फॉर्मूला डिराइव होता है वो सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉज और उसके जो एप्लीकेशन होते हैं जो मेनली सोलेनॉइड और टोरॉइड है उससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और जो चैप्टर फिफ्थ है मैग्नेटिज्म, उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जो प्रॉपर्टीज हैं उससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका यूनिट फोर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिव करंट, तो इसके अंदर में दो चैप्टर है आपका, सबसे पहला चैप्टर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इससे क्वेश्चन आते हैं करंट, और इससे जो फॉर्मूला जो आपके निकल के आते हैं और उससे रिलेटेड थ्योरी भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इससे भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपका जो चैप्टर 7 है वो है ऑल्टरनेटिंग करेंट, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं, अगर आपको याद हो LRCR LCR ऐसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं तो उसके बारे में पढ़ लेना, और AC जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप स्टेप डाउन, AC जनरेटर कैसे वर्क करता है, इन सब के एप्लीकेशन ये सब पढ़ लेना, इससे भी थ्योरी बेस्ड या फिर कभी कभी फॉर ट्रांसफार्मर पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका यूनिट 5 जो कि सबसे ईजिएस्ट है, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसका जो चैप्टर है वो है EM वेव्स, और इसमें आपका बेसिक सा क्वेश्चन एक आ सकता है, EM स्पेक्ट्रम जो है जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका फैक्ट्स यूजेज पूछ सकता है, या फिर किसका वेवलेंथ ज़्यादा कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम है, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद एक आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका ऑप्टिक्स, और इसके अंदर दो चैप्टर, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर ले तो आपका मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला से तो क्वेश्चन आना पक्का है, पावर पे क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है कई कंबाइन करने पे, इससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बाकी आपका मैग्नीफाइंग पावर, इंस्ट्रूमेंट के जो मैग्नीफाइंग पावर होते हैं, जो आपका टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है, उसमें क्या आपका जो यूजेज हैं और एक फार्मूला डिराइव होकर आता है, क्लास 12 में पढ़ाई होगा, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में मैं बोलूँगा यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना और पोलराइजेशन का थ्योरी पोर्शन पढ़ लेना। इसके बाद आपका पड़ता है यूनिट 7 जो कि है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और इसके अंदर में एक ही चैप्टर वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो इसका मैं बोलूँगा सबसे बेसिक थ्योरी जो स्टार्टिंग में पढ़ता है कि कैसे पता चला ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसके बारे में पढ़ लेना, और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक बार पढ़ लेना, इससे आपका न्यूमेरिकल आता है। इसके बाद आपका पड़ता है यूनिट 8 जो कि एटम एंड न्यूक्लियाई, और इसके अंदर में दो चैप्टर है जो कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और जो एटम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपका डिफरेंट एनर्जी लेवल पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पूछे जाते हैं, और डिफरेंट मॉडल जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपके डिफरेंट मॉडल्स पे आते हैं, जैसे एटम्स का डिफरेंट मॉडल्स दिया था, जैसे डाल्टन का हो गया और अलग अलग है, तो वो सबसे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और न्यूक्लियाई में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका रेडियोएक्टिव डीके, जिस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, आइसोटोप, आइसोबार्स, आइटोटोनिक, एटॉमिक मासेस, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, इससे रिलेटेड आपका थ्योरी बेस्ड या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है आपका यूनिट 9 जो कि आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक, और ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, और इसके अंदर में एक चैप्टर वो है सेमी कंडक्टर, जिसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एक आपका डिफरेंट गेट्स और आपका एक जो होता है जेनर डायोड, खास करके वो जो ग्राफ होता है ऐसे बनते हैं वो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक जो कि यूनिट 10 कम्युनिकेशन सिस्टम, और जो इसका चैप्टर का नाम है वो भी कम्युनिकेशन सिस्टम, और जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ, और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका होना चाहिए इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोनी एंड GPS के बारे में। सो गाइस, मुझे पता सिलेबस काफ़ी बड़ा है और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो अगर आपके पास खुद का नोट्स है तो आप उससे पढ़ सकते हो, या फिर अगर मेरे से बुक का रिकमेंडेशन करोगे तो NCERT तो बेस्ट है, पर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और आप अगर फर्स्ट टाइमर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि YouTube पे जो शॉर्ट वीडियो होते हैं कि एक एक घंटे में पूरा एक एक चैप्टर ये लोग फिनिश कर देते हैं, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा कि वो लोग समझा भी देते हैं अच्छे तरीके से, अगर अच्छे टीचर का देख लो जिसके सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो अगर उन टीचर्स का देख लो जो एक एक घंटे में चैप्टर्स आपके फिनिश कर देते हैं तो आपको समझा भी देंगे, प्लस आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की अगर बुक है आपके पास एयरफोर्स की, तो आप उसमें से फिर से नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, रिविजन नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप रिवाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया वीडियो में और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे जो कि चैप्टर वाइज दिए होते हैं आपके चैप्टर के लास्ट में,
और वहाँ से आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हो अपना, और न्यूमेरिकल बेसिक से लेकर टफ तक दिया होता है तो वहाँ से बेसिक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अभी एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की बात कर ले बुक की, तो देखो आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप का अलग और वाई ग्रुप का भी अलग आता है, तो वो आपका अराउंड 250 और 150 या 200 का पड़ता है। तो सेपरेट खरीदोगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बट अगर आप कंबाइन खरीदोगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो 309 रुपीज़ का है, वो कॉम्बिनेशन में एक्स एंड वाई दोनों है, और उससे आपका क्या फ़ायदा होगा वो मैं इस बुक का जो प्रीव्यू होगा और इसकी बुक के बारे में पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा अभी 2-3 दिन के अंदर। उससे आपको पता चलेगा कि ये आपको कैसे हेल्प करेगी स्पॉन्सरशिप एज वेल एज IMU CET में, तो वो भी वीडियो देख के अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो वो देख के, या फिर अभी अगर खरीदना है तो ये वीडियो देख के ही खरीद सकते हो। बाकी कुछ लोगों के मन में डाउट होता है, जैसे ये दो क्वेश्चन है कि आपका क्लास 11th का क्या पोर्शन होता है, क्लास 12th का कितना होता है, तो मैं बोलूँगा इक्वली होता है, कोई ऐसे डिफरेंट नहीं है कि इससे 60% इससे 40 या फिर इससे 60 या फिर इससे 40, दोनों का इक्वल वेटेज होता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं, तो मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि न्यूमेरिकल्स के ज़्यादा होते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स कम होते हैं थ्योरी के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई कोई थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो फॉर्मूला आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में, तो फॉर्मूला बेस्ड में कैसे वेरिएशन हो रहा है उस पे क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इससे बेस्ड भी थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसको भी बोलूँगा कि ये इक्वली वेटेज है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है कि ये ज़्यादा आता है ये कम आता है। ये जो PPT है जिसमें पूरा आपका सिलेबस और इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पूरा सिलेबस का ये PPT डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का बना दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। So thank you for watching this video.